नमस्कार दोस्तों स्टॉक मार्केट के फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में आपको टेक्निकल एनालिसिस कोर्स की ट्रेनिंग बेसिक से लेकर एडवांस तक बिल्कुल फ्री में दी जा रही है दोस्तों इस एपिसोड में हम कैंडलस्टिक पैटर्न इवनिंग स्टार को ट्रेड करने का सही मेथड सीखेंगे किसी भी पैटर्न को ट्रेड करने या रिकॉग्नाइज करने के लिए कैंडलस्टिक के डिफरेंट टाइप्स को सीखना बहुत जरूरी होता है इसलिए इवनिंग स्टार पैटर्न को ट्रेड करने से पहले हमें यह सीखना होगा कि इवनिंग स्टार पैटर्न के फॉर्मेशन में जिन कैंडलस्टिक का यूज होता है उनको कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है दोस्तों डोजी स्टार और मारू ंडल स्टिक्स मिलकर इवनिंग स्टार पैटर्न का फॉर्मेशन करती हैं। सबसे पहले डोजी स्टार कैंडल को समझेंगे दोस्तों डोजी स्टार को इंडिसाइसिव कैंडल भी कहा जाता है इनडिसाइसिव नाम से ही प्रतीत होता है एक जो डायरेक्शन बायस नहीं है ना बुलिश है और ना ही बैरिश प्राइस डिसाइड ही नहीं कर पाया उसको किस डायरेक्शन में जाना है इसलिए इनडिसीजन प्राइस क्लोज हो गया और एक डोजी स्टार कैंडल का फॉर्मेशन हुआ दोस्तों डोजी स्टार अक्सर ट्रेंड रिवर्सल का फर्स्ट सिग्नल होता है डोजी स्टार हमें अलर्ट कर देता है की अब ट्रेंड रिवर्स हो सकता है अब हम मारूबोजू कैंडस्टिक को समझेंगे दोस्तों इवनिंग स्टार पैटर्न के कंफर्मेशन के लिए एक बुलिश मारूबोजू और एक बैरिश मारूबोजू कैंडस्टिक का फॉर्मेशन जरूरी है दोस्तों मारूबोजू कैंडस्टिक अक्सर साइज में बड़ी होती है एंड मारूबोजू कैंडस्टिक विदाउट विक्स होती है या फिर मारूबोजू कैंडस्टिक में विक का साइज छोटा होता है दोस्तों यह था ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट डोजी स्टार एंड मारूबो कैंडस्टिक्स अब हम इवनिंग स्टार पैटर्न को स्टडी करेंगे एंड इवनिंग

कैंडेस्टिक बैरिश होगी यदि बैरिश कैंडलस्टिक नहीं है तो हम इवनिंग स्टार को ट्रेड नहीं करेंगे था लेकिन उसमें एक पुल बैक आया और स्टॉक का शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव हो गया और एक्सेसिव बाइंग होने के कारण एक बुलिश मारूबोजू कैंडलस्टिक फॉर्म हो गई बट नेक्स्ट डे एक इंडिसाइसिव कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हुआ एंड वेरी नेक्स्ट डे एक बैरिश मारूबोजू कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हो गया एंड इवनिंग स्टार पैटर्न फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया एंड वेरी नेक्स्ट डे इवनिंग स्टार पैटर्न ने ब्रेक डाउन दिया एंड एक बैरिशिक का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया यही एंट्री पॉइंट है आपको ट्रेड इनिशिएट करना है एंड एंड इवनिंग स्टार के लेवल का स्टॉप लॉस लगाना है है ट्रेड को तब तक राइड करना है जब तक बुलिश रिवर्सल सिग्नल ना मिल जाए दोस्तों इवनिंग स्टार पैटर्न को ट्रेड करने की नॉलेज के साथ साथ इवनिंग स्टार पैटर्न को कब ट्रेड नहीं करना इसकी जानकारी भी बहुत जरूरी है सपोज इवनिंग स्टार पैटर्न का फॉर्मेशन कंप्लीट होने के बाद ब्रेकडाउन नहीं हुआ नेक्स्ट डे एक बुलिश फॉर्म हो गई तो आप ट्रेड नहीं करेंगे लेकिन आप स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखकर ब्रेक डाउन का वेट कर सकते हैं लेकिन यदि प्राइस इवनिंग स्टार पैटर्न का हाई ब्रेक करके हाईएस्ट पॉइंट से भी ऊपर क्लोज दे देता है तो आप स्टॉक को वॉच लिस्ट से रिमूव कर सकते हैं क्योंकि इवनिंग स्टार पैटर्न फेल हो चुका है अब इवनिंग स्टार पैटर्न वैलिड नहीं है लेकिन जब तक इवनिंग स्टार पैटर्न अपने हाई को ब्रेक नहीं करता तब तक इवनिंग स्टार पैटर्न वैलिड है आप ब्रेकडाउन का वेट कर सकते हैं दोस्तों इवनिंग स्टार पैटर्न के कुछ सीक्रेट्स हैं इवनिंग स्टार पैटर्न में डोजी स्टार्स एक से ज्यादा भी हो सकते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न में डोजी स्टार दो तीन चार या पांच भी है तब भी इवनिंग स्टार पैटर्न वैलिड है इवनिंग स्टार में बैरिश मारोबाजू कैंडल बुलिश बुलिस मारोबाजू कैंडल स्टिक से साइज में छोटी या बड़ी भी हो सकती है इवनिंग स्टार पैटर्न में बुलिश मारोबाजू कैंडल स्टिक बैरिश मारोबाजू कैंडल स्टिक से साइज में भी छोटी या बड़ी हो सकती है यदि इवनिंग स्टार पैटर्न में बुलिश मारूबाजू कैंडल स्टिक का साइज छोटा या बड़ा है स्टिल इवनिंग स्टार पैटर्न वैलिड है इवनिंग स्टार पैटर्न में बुलिश मार्ग

एंड इवनिंग स्टार पैटर्न का फॉर्मेशन कम्प्लीट हो गया नेक्स्ट पर एंड इवनिंग स्टार ने पूरा काम किया दोस्तों का को सीखा. में हम को ट्रेड करने का सही सीखेंगे जैसे की आप जानते हैं ये का है. यदि आपने एपिसोड नंबर थ्री नहीं देखा तो प्लीज एपिसोड नंबर थ्री देख लीजिए लिंक डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन में अवेलेबल है क्योंकि यह कोर्स एपिसोड वाइज है सो एवरी एपिसोड इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टॉक मार्केट टर्म्स एंड ट्रेनिंग सो प्लीज डू सब्सक्राइब And press the bell icon so that you will never miss new updates. If you have any query about this content, please drop an email. For free tips, please join our Telegram channel. Link is available in the description. Thanks for watching. We'll see you in the next video. Bye bye. Take care.